और देख सकते हैं आप लोग कि ये वाला जो पेट्रोल पंप है वो है जगदम्बा पेट्रोल पंप। यहाँ के बारे में एक जानकारी ये है, और अभी हम पहुँचने वाले हैं बेनीपट्टी का जो संसार पोखर है वहाँ पे। उससे पहले एक अपडेट निकल करके आया है, वो अपडेट क्या है वो अभी आप लोग को बताते हैं। सो गाइस, जैसा कि हम आप लोग को बता रहे थे कि हमारा जो ऑफिस है BNN न्यूज़ का वो कहाँ पे है, तो ये यहाँ पे है BNN न्यूज़ का। यहाँ पे पोस्टर आप लोग देख सकते हो। नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नई ब्लॉग में, नई वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, अभी मैं गाँव आ चुका हूँ। जैसा कि पिछला ब्लॉग अगर देखे होंगे आप लोग तो आप लोग को पता होगा, जिसमें मैं दिल्ली में था वो ब्लॉग जो था वो दिल्ली का था, और मैं बताया था कि हो सकता है कि मैं कुछ ही दिनों में गांव जाऊंगा। तो फाइनली मैं गांव आ चुका हूं, और अब जो है बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत सारा फेस्टिवल आने वाला है, बहुत सारी चीज़ एक्सप्लोर करने वाले हैं हम अब गाँव का। वैसे अभी मैं सड़क पर टहल रहा हूँ, गाँव का सड़क है ये, कुछ इस तरह का है, देख सकते हैं आप लोग। अभी सुबह का टाइम है तो अभी हम टहल रहे हैं, अभी जाएंगे घर पे नहा धो करके फिर से हम जाने वाले हैं बेनीपट्टी की तरफ। जी हाँ दोस्तों, पिछला जो बेनीपट्टी का ब्लॉग है वो बहुत आप लोग ने उनको प्यार दिया है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है वो वाला वीडियो देख करके, तो ये वाला भी वीडियो देखिएगा। बेनीपट्टी के बारे में बहुत सारी कुछ जानकारी इस ब्लॉग में मिलने वाले हैं आप लोगों को। चलिए फिलहाल चलते हैं अपने घर पर नहा धो करके, खाना वाना खा करके फिर निकलेंगे अपने गाँव से बेनीपट्टी की तरफ। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों, मैं खाना खा करके नहा करके अभी घर से निकल चुका हूं और जा रहा हूं बेनीपट्टी। तो चलिए मेरे साथ और आप लोगों को दिखाते हैं कि अभी के टाइम पे हमारा बेनीपट्टी किस तरह का दिख रहा है, क्या क्या बेनीपट्टी में नई नई चीज़ें आई है, और वही कैसा दिख रहा है बेनीपट्टी। अभी मैं जा रहा हूँ साइकिल से, ये देखिए साइकिल से अभी मैं जा रहा हूँ, क्योंकि चलिए आगे चल कर बताता हूँ कि तुम मैं क्यों जा रहा हूँ और क्या क्या इंटरेस्टेड होने वाला है आज के ब्लॉग में। फिलहाल वीडियो में बने रहिए, एंड तक देखिएगा। और दोस्तों, जैसा कि मैं बताया था कि इस वीडियो में आप लोगों को बेनीपट्टी के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। अभी हम सरिसव पहुंचे हैं, सरिसव गांव। यहां पे क्या अपडेट है चलिए आगे चल के आप लोगों को बताते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग बेनीपट्टी जाते होंगे मधुबनी रास्ते से, यानी कि मधुबनी, अरेर, धगजड़ी ये सब होते हुए बेनीपट्टी जाते होंगे, तो आप लोग को धगजड़ी क्रॉस करने के बाद सरिसव गांव में एक पेट्रोल पंप दिखता होगा जिसका नाम है जगदम्बा पेट्रोल पंप। अभी हम लोग वहीं पहुंचे हैं और देख सकते हैं आप लोग कि ये वाला जो पेट्रोल पंप है वो है जगदम्बा पेट्रोल पंप। यहां के बारे में एक जानकारी ये है कि अब यहां पे CNG मिलना चालू हो चुका है, और अभी जो आपने ऑटो देखा, इस तरह की ऑटो अब यहाँ से चलने लगी है, यानी कि बेनीपट्टी मार्केट में जो है वो ऑटोज वगैरह चलने लगी है इस तरह की CNG वाली, क्योंकि यहाँ पे जो है सो CNG मिलना चालू हो चुका है। और अगर हम बात करें मधुबनी क्षेत्र की या फिर बेनीपट्टी डिस्ट्रिक्ट की, तो सिर्फ और सिर्फ अभी यहाँ पे CNG जो है जो मिल रहा है, इसके अलावा मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी नहीं मिल रहा है, दरभंगा में मिल रहा है, बेगूसराय में मिल रहा है। अगर आप लोग को नीड हो CNG की, तो आप लोग यहाँ पर आ करके CNG अपने गाड़ी में फिल करवा सकते हैं। चलिए फिलहाल आगे चलते हैं और सारा, बहुत सारा अपडेट आप लोग को देते हैं कि बेनीपट्टी में क्या कुछ नया नया हुआ है। और अभी हम पहुँचने वाले हैं बेनीपट्टी का जो संसार पोखर है वहाँ पर। उससे पहले एक अपडेट निकल करके आया है, वो अपडेट क्या है वो अभी आप लोग को बताते हैं। वो अपडेट ये है कि पहले आप लोग को बेनीपट्टी में खाना पीना खाने के लिए अलग अलग जगहों पे जाना होता था, और फिर आप लोग कहीं ना कहीं अपने हिसाब का खाना खा पाते थे। अब उस बात का भी चिंता ख़त्म हो चुका है, क्योंकि बेनीपट्टी में अब खुल चुका है बेनीपट्टी रेस्टोरेंट, बेनीपट्टी भोजनालय। चलिए देखिए ये वाला जो है वो, अभी आपने देखा यहाँ पे जो है वो आप लोग एक ही जगह पे वेज, नॉन वेज, फास्ट फूड, इंडियन फूड, ये सारे कुछ आप लोग खा पी सकते हैं और एक ही जगह पे इंजॉय कर सकते हैं ये सारे चीज़ों का। चलिए आगे चलते हैं और क्या अपडेट है वो आप लोग को बताते हैं। और दोस्तों, अभी हम पहुँच चुके हैं संसार पोखर पे। यह है संसार पोखर, और यहाँ पे जो है वो छठ पूजा को लेकर के काफ़ी साफ सफाई हो चुका है, क्योंकि कुछ ही दिनों में छठ पूजा आने वाला है, उसका भी वीडियो आप लोग को मेरे चैनल पर देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो में बने रहिएगा और हमें सपोर्ट करिएगा, ताकि छठ पूजा का जो वीडियो है वो आप लोग को दिखा सकूँ। दोस्तों, उन सब के अलावा एक और भी इम्पोर्टेंट जानकारी है, या आप लोग के लिए कह सकते हैं कि जो अभी तक मैं सरप्राइज़ रखा था, वो ये है कि अब मैं बेनीपट्टी में रहने वाला हूँ, यहाँ पर काम करने वाला हूँ। क्या काम करने वाला हूँ वो भी बता देता हूँ। बेसिकली यहाँ पर एक लोकल न्यूज़ एजेंसी है, BNN न्यूज़ बेनीपट्टी, आप लोग जानते ही होंगे शायद अगर आप लोग बेनीपट्टी से होंगे या फिर इसके आसपास से,
तो अब मैं वहाँ पे एज ए टीम काम कर रहा हूँ। और चलिए आप लोगों को वहाँ का ऑफिस दिखाता हूँ कि किस तरह का मेरा ऑफिस है, और यहाँ का जो लोकल न्यूज़ है वो सारा कुछ मैं वहाँ पे पब्लिश करता हूँ। आप लोग देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, BNN न्यूज़ बेनीपट्टी है। चलिए फिलहाल अपने ऑफिस को दिखाते हैं और दिखाते हैं कि क्या कुछ अभी वहाँ पे हैं, कौन कौन लग रहे लोग रहते हैं और क्या क्या काम होता है, वो सारी चीज़ें। सो गाइस, जैसा कि हम आप लोग को बता रहे थे कि हमारा जो ऑफिस है BNN न्यूज़ का वो कहाँ पे है, तो ये यहाँ पे है BNN न्यूज़ का। यहाँ पे पोस्टर आप लोग देख सकते हो, यह है ब्लॉक रोड, सामने आप लोग को विवाह भवन दिख रहा होगा, जस्ट उसके बगल में ही है। चलिए अंदर चलते हैं और आप लोग को दिखाते हैं कि क्या कुछ है यहाँ पे। अंदर से हमारे वो जो है स्टूडियो का या न्यूज़ रूम वो इस तरह का दिखता है, आंगन के जैसा बना हुआ है और कुछ इस तरह का है। इस तरफ में टॉयलेट और वो नल वगैरह जो है वो है। इधर में फ्रिज रखा हुआ है, गर्मी अगर आएगा तो इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अभी चलते हैं अंदर। सो हमारा न्यूज़ रूम जो है वो अंदर से कुछ इस तरह का दिख रहा है, देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पे सोफ़ा लगा हुआ है, अभी वो बिखर गया है, ऐसे रहता है। और यहाँ पे जो गेस्ट आते हैं वो यहाँ पे बैठते हैं, यहाँ पे बैठते हैं। उनके अलावा काफ़ी सारा ये टूल वगैरह लगा हुआ है। यहाँ पे जो हमारे मेन बॉस है वो रहते हैं और वो कामकाज यहाँ पे करते हैं। ये रहा CCTV का मॉनिटर, और यहाँ पे मैं बैठता हूँ, और ये अपना लैपटॉप है। इसके अलावा ये स्टैंड है, माइक है, वॉल पे कुछ इस तरह का डिज़ाइन है। बताना आप लोग कमेंट करके कि कैसा है हमारा स्टूडियो या न्यूज़ रूम कह सकते हैं वो। ये जो डिज़ाइन आप लोग देख रहे हैं वो कस्टम डिज़ाइन जो है वो ओनर ने खुद ही किया है, यानी कि हमारा जो बॉस है उन्होंने खुद ही किया है। और इस तरफ जो देख सकते हैं ये वॉल पे मैप लगा हुआ है। एक्चुअली में बेनीपट्टी प्रखंड के आसपास के जितने भी सिटीज टाउन हैं सब यहाँ पे लोकेटेड है, सारा यहाँ पे, मतलब देख सकते हैं आप लोग। ये यहाँ पे मंदिर है, सरस्वती मंदिर गम्हरिया, यानी कि बेनीपट्टी के आसपास के क्षेत्र के जितना भी एरिया है पूरा यहाँ पे लोकेटेड है इस मैप में। और इधर में AC भी लगा हुआ है। सो कुछ इस तरह का हमारा न्यूज़ रूम, हमारे साथ कुछ इस तरह का सीन अभी चल रहा है। आई होप कि आप लोग को अच्छा लग रहा होगा जितना कुछ मैंने बताया बेनीपट्टी के बारे में, अपने न्यूज़ रूम के बारे में, अपने बारे में। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, और आने वाले दिनों में काफ़ी सारा चीज़ बेनीपट्टी का आप लोग को देखने को मिलता रहेगा, क्योंकि मैं अब तो यहाँ पे रहने ही वाला हूँ। और बहुत कुछ आने वाला फेस्टिवल जो होगा, यानी कि काली पूजा, दीपावली, छठ पूजा, सारा कुछ को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे और आप लोग को दिखाएंगे कि कहाँ पे क्या चीज़ हो रहा है। बेनीपट्टी के बारे में अगर बात करूँ तो आप लोग बताना, मैं सोच रहा हूँ कि वो जो नया वाला बेनीपट्टी लाइन होटल खुला है, जिसको मैं बेनीपट्टी भोजनालय या पता नहीं क्या क्या बोल रहा था, एक्चुअली मैं वो बेनीपट्टी लाइन होटल है, उसके बारे में मैं डिटेल में एक वीडियो बनाना चाहता हूँ, पूरा सेपरेट वीडियो। उसके अलावा और भी बहुत सारे पैलेस है, पॉपुलर पैलेस सब जो है बेनीपट्टी का, उन सब के बारे में वीडियो बनाना चाहता हूँ मैं। आप लोग कमेंट करके बताना कि ये वीडियो कैसा लगा आप लोग को, और कहाँ का वीडियो बेनीपट्टी का आप लोग देखना चाहते हो, बेनीपट्टी के बारे में आप लोगों को क्या डिटेल चाहिए, क्या जानकारी चाहिए, या फिर BNN न्यूज़ के बारे में आप लोगों को क्या डिटेल या क्या जानकारी चाहिए, ये सारा कुछ जो है वो आने वाले दिनों में आप लोग को देखने को मिलेगा। तो आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है। बाकी आई होप कि आप लोग को ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा, बार बार मैं ये बोल रहा हूँ, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मैं मिलूंगा आप लोग से नए वीडियो में बहुत जल्द। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।